हेलो जी, बोलिए। बिजली घर से बात हो रही है? हाँ, बताइए। वार्ड मेंबर बोल रहा हूँ भैया। लाइट कब तक आएगी? लाइट नहीं आ रही है। हाँ सर, ब्रेकडाउन हो गया है ट्रांसफार्मर का, 11 KV का। अभी कुछ टाइम लगेगा, जब तक फॉल्ट सही नहीं हो जाता लाइट नहीं आने वाली। अभी हो सकता है 4 से 5 घंटे लग जाएं। कोई क्लियर टाइम है कब तक आ सकती है? सर फॉल्ट जल्दी मिल जाए तो जल्दी आ जाएगी। ठीक, धन्यवाद। हेलो, हाँ बिजली घर में फ़ोन लगो है? हाँ, ये लाइट कब तक आए? दिन और रात दो ही टाइम लाइट नहीं आ रही। लोग अंधेरे में मच्छर जीते हैं हमारा रात में। कब तक आए भाई लाइट? जी अभी रोस्टिंग चल रही है, 2 घंटे में लाइट आ जाएगी, तो इंतज़ार करिए। 2 घंटे में रोस्टिंग कंप्लीट होने हो जाने के बाद लाइट आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद भैया। राम राम साहब, दिन में भी लाइट तुम काट रहे हो, रात में भी लाइट काट रहे हो। रात में तो वैसे ही तुम मच्छर से चथवा रहे हो, अब दिन में भी का धूप में बिल्कुल तपवा भी में हमें लाइट काट रहे हो। भैया अभी शटडाउन है, कुछ टाइम बाद लाइट आ जाएगी। अभी लाइन पे मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, लाइट आ जाएगी। ठीक, धन्यवाद भैया। राम राम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने पिछली रिकॉर्डिंग में देख ही लिया होगा, प्रेजेंट टाइम में बिजली को लेकर के काफ़ी संकट चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रही है। इसके पीछे कई रीज़न है। सबसे पहले तो कोयला की कमी हो गई है हमारे देश में, और कोयला की कमी होने के भी बहुत बड़े मतलब कारण हैं, क्योंकि चीन के बाद सबसे ज़्यादा जो कोयले का इम्पोर्ट है वो इंडिया ही करता है। और प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो इंटरनेशनल पूरा इन्वायरमेंट है काफ़ी बेकार सा हो गया है। रूस यूक्रेन के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो टोटल 65 से 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो कोयले का है, और कोयले की चूंकि कमी पड़ गई है, इसी कारण भारत में जो 12 से ज़्यादा जो राज्य हैं वो बिजली संकट से ग्रसित हो गए हैं। इसमें झारखंड जो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता था, उसी में सबसे ज़्यादा बिजली को लेकर के क्राइसिस चल रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता था, वहां पे भी बिजली को लेकर के काफी संकट है। और भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश भी जिसमें शामिल है। तो फ्रेंड्स, लेकिन आज की वीडियो एक अलग टॉपिक से है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो आपके सब स्टेशन के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपके घर में काटी जाती है वो किन किन कारणों से काटी जाती है। जिसमें आपने पिछली वीडियो में सुना, पिछली रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि उसने कुछ टर्म्स के बारे में बताया है ऐसे सोने जो बिजली घर से फोन हुआ है। एक रोस्टिंग भी बोला उसने, ब्रेकडाउन भी बोला है, शटडाउन भी बोला है, और एक और टर्म्स होता है ट्रिपिंग। तो आज की वीडियो में हम इन चारों टर्म्स के बारे में ही समझेंगे। इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे एक टंकी होती है, टंकी में पानी भरा होता है, फिर उसकी पाइप के द्वारा उसमें नल जुड़ा होता है। अब यदि आपको पानी चाहिए है तो आप एक नल को खोलो, पानी आ जाएगा। लेकिन सोचो यदि टंकी में ही पानी नहीं है तो नल में पानी आएगा क्या? नहीं आएगा ना। जस्ट ऐसा ही एक होता है रोस्टिंग और एक होता है शटडाउन। रोस्टिंग एक ऐसी चीज होती है कि वो होती है टंकी में पानी नहीं है। अब आप बिजली घर में जितना चाहे फोन लगा लो, एक बिजली घर से दूसरा बिजली घर होता है। आपके घर में जो सप्लाई आती है वो सब स्टेशन के द्वारा आती है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के द्वारा। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन खुद बिजली का उत्पादन तो करता नहीं है, क्योंकि घर में सप्लाई बिजली उत्पादन से डायरेक्ट आपके घर में नहीं आ जाते हैं। बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि यार बिजली घर में आग लगा दो, बिजली घर में धरना दे दो तो लाइट आ जाएगी। लाइट बिजली घर थोड़ी ना बना रहा है, लाइट बना तो रहा है जनरेशन स्टेशन। क्योंकि चूंकि मैं भी इसी विभाग में हूँ, बहुत सारे लोगों के अंदर एक गुस्सा सा भरा होता है कि उस बिजली घर में आग लगा रहा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही। लेकिन आप समझिए, बिजली घर खुद लाइट को नहीं बना रहा है, वो खुद कहीं दूसरी जगह से लाइट आ रही है, फिर वो उसको प्रोवाइड करा रहा है। अब ये टंकी में पानी ना आए तो नल का क्या दोष कि वो पानी ना दे पाए? तो ऐसा ही है। तो जो रोस्टिंग होती है वो ये है, समझो कि बिजली टंकी में पानी नहीं है तो नल भी पानी नहीं देगा। रोस्टिंग का मीन्स जो उस सब स्टेशन से भी बड़ा सब स्टेशन है उसने उस सब स्टेशन की लाइट काट दी जिस सब स्टेशन से आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है। तो रोस्टिंग का एक शेड्यूल होता है बड़ी बड़ी सिटी और स्मार्ट सिटीज में। बट फिर भी रोस्टिंग का एक तो ध्यान रखना, यदि आपने फोन लगाया और उसने बोला कि सर 2 घंटे की रोस्टिंग है, तो श्योर 2 घंटे के बाद आपकी लाइट आ जाएगी, ये फिक्स होता है। और रोस्टिंग का मीन्स ये होता है कि उससे भी बड़ा जो बिजली घर है जिसको आपने फोन लगाया, उससे भी बड़े बिजली घर ने उस बिजली घर की लाइट काट दी। अब जब वो बिजली घर में सप्लाई आएगी तो फिर वो आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है ब्रेकडाउन।
तो जो SSO जो सब स्टेशन बिजली घर में बैठता है वो आपको बोले कि सर अभी ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन हो गया है जिस कारण लाइट नहीं आ रही है। तो ब्रेकडाउन का मीन्स होता है अनवांटेड जो फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, जैसे आंधी तूफान आया, कोई फेस तार है वो निकल गए, या मतलब उनका जम्पर टूट गया और दोनों एक दूसरे से जुड़ गए जिस कारण आग लग जाए, या ओवरहीट के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया, जो उसकी वाइंडिंग है वो भी हीट हो गई, आग लग जाए सडनली ट्रांसफार्मर में, कोई क्या बोलते बड़ा खम्मा सा है टूट जाए जिस कारण फेस तार जुड़ जाए, आग लग जाए, मीन्स अनवांटेड फॉल्ट जो बड़ा क्रिएट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल हो जाए उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में ध्यान रखना कोई टाइम फिक्स नहीं होता, यदि आपने कॉल करने पे आपको पता चला कि ब्रेकडाउन हो गया है तो कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कितने समय बाद लाइट आ जाएगी, क्योंकि जब तक आप वो फॉल्ट नहीं मिलेगा तब तक सप्लाई नहीं मिलेगी। बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज में भी ब्रेकडाउन होता है, लेकिन वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस के लिए जो पोर्टेबल ट्रांसफार्मर होते हैं वो रखे रहते हैं, यदि 11 की भी जो लाइन होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे कोई फॉल्ट क्रिएट होता है तो जल्द से जल्दी वहाँ पे सुधारा जाता है, लेकिन टाउन में या कहीं ऐसी जगह पे इतनी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है शटडाउन। शटडाउन जस्ट वैसा ही है कि टंकी में तो पानी है लेकिन नल को ओपन करोगे तो पानी आ जाएगा, नल क्लोज कर दोगे तो पानी नहीं आएगा। तो शटडाउन जिस सब स्टेशन पे आप फोन लगाते हैं उसी के अंडर में होता है। शटडाउन जब ही लिया जाता है जब या तो लाइन पे कोई मेंटेनेंस वर्क करना हो या फिर विभाग को डिसकनेक्शन कनेक्शन मतलब कुछ लोगों की लाइट जोड़नी हो या काटनी हो, क्योंकि जब राजस्व वसूली कराई जाती है तो शटडाउन या रोस्टिंग के टाइम पे ही कराई जाती है। तो शटडाउन वो सब स्टेशन करता है जिस सब स्टेशन को आप फोन लगाते हैं, उसके कुछ रीजन होते हैं, या तो कोई लाइन में मेंटेनेंस काम करवाना हो या फिर डिसकनेक्शन कनेक्शन करवाना हो, ठीक है। शटडाउन बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है और शटडाउन जिस सब स्टेशन को आपने फोन लगाया है उसके अंडर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टर्म आता है ट्रिपिंग। ट्रिपिंग जस्ट ऐसा होता है जैसे आपके घर की MCB ओवर करंट के कारण ओवर लोड के कारण ट्रिप कर जाती है, ऐसे ही बिजली घर में बड़े बड़े फीडर लगे होते हैं जैसे MCB, वहीं से उनको चालू बंद करके सप्लाई को आपके घर तक जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं 11 kV 440 वोल्ट जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। तो जब ओवरलोड के कारण ओवर करंट के कारण फीडर अपने आप ट्रिप कर जाए तो उसी को हम बोलते हैं ट्रिपिंग, और उसके कारण भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होती है, 10 से 15 मिनट 4 से 5 मिनट के बाद वो सप्लाई फिर से चालू कर दी जाती है, मशीन जो है थोड़ा सा कूल हो जाए, जो ओवरलोड ओवर करंट के कारण हीट हो गई थी उसके बाद सप्लाई चालू कर दी जाती है। तो आपको फोन पे कभी ट्रिपिंग के बारे में तो नहीं बोलेगा कि सर ट्रिप कर गई इसलिए लाइट नहीं आ रही, क्योंकि 2-4 मिनट तो अपन लोग खुद टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन जब 2-4 घंटे तक लाइट ना आए तब हमें बिजली घर में फोन लगाना पड़ता है। ओके, तो आपको इन्हीं 4 टर्म्स के बारे में बताना था, रोस्टिंग, ब्रेकडाउन, शटडाउन और ट्रिपिंग, क्योंकि जब मैं इस विभाग में नहीं आ रहा तो मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी सोचता था यार कि लाइट काटी क्यों जाती है, कैसे कटती है। तो आज सब कुछ क्लियर हुआ, मेरे को लगा कि आपको बता दें। तो इसी को लेकर के ये वीडियो थी, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।